सम्स नंबर आप वन भी देख सकते हैं, सम्स नंबर टू भी है, सबको आप पहले वन नंबर देख लीजिए। ओपिसा एंड कंपनी कलकत्ता ओपेंड ए न्यू ब्रांच, अंडरलाइन करो न्यू ब्रांच को। जब न्यू ब्रांच रहेगा तो ओपनिंग का कुछ भी नहीं रहेगा, जो अभी आपने किया था ना टू बैलेंस बीडी स्टॉक डेटर पेटी कैश, तो ओपनिंग का कुछ नहीं रहेगा क्योंकि न्यू ब्रांच है। एट बेंगलोर, तो इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का नाम क्या है, ओपीसा एंड कंपनी, और हम लोग लिखेंगे बेंगलोर ब्रांच अकाउंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में आएगा, कैश सेल्स याद कीजिए कहां पर आएगा, जब हम लोग फॉर्मेट में आप देख लीजिए कैश सेल्स किधर है, क्रेडिट में है। क्रेडिट सेल्स वहां नहीं आएगा, बट जहां डेटर अकाउंट बनाएंगे वहां आएगा। सैलरी ऑफ द ब्रांच स्टाफ खर्चा है, टू बैंक में जहां पर लिखते हैं एक्सपेंस वहां पर लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंस भी खर्च है। कैश रिमिटेंस टू द ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश खर्च है, पेटी कैश का क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, स्टॉक का भी क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहा है बनाने के लिए, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ब्रांच अकाउंट बोल रहा है। अब देखो प्रिपेयर क्या बोला, अंडरलाइन करो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, आपको प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बोला है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं बोला है, सिर्फ ब्रांच अकाउंट। तो कौन सा मेथड होगा, अगर ब्रांच स्टॉक बोलता तो क्या होता, एनआईकल होता। चलो शुरू करो। इन द बुक ऑफ ओपीसा एंड कंपनी, अभी फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखा था, यहां पर अब क्या भरा आएगा बोलिए, बैंगलोर। डेबिट क्रेडिट और रुपीस लिखना ही है, याद करो स्टार्टिंग कैसे करते थे फॉर्मेट में, टू बैलेंस बीडी लिखते थे ना, बट यहां टू बैलेंस बीडी कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर न्यू ब्रांच है और हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो स्टॉक दिया रहता, ओपनिंग का डेटा रहता तो लिखते, अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, लिखने का दरकार भी नहीं था, बट हम फॉर्मेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं इसलिए लिख दिए। अगला क्या लिखा हुआ है बोलिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितने का सामान भेजे हैं देखिए, 80,000। याद करो वन टू थ्री, थ्री में क्या होगा, एक्सपेंस, बैंक अकाउंट एक्सपेंस, इधर में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलिए, बैंक अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय कैश सेल्स। कैश सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 55,000। फिर क्या लिखते हैं बोलो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, बट यहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी ब्रांच डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिट में जो सामान बेचे वो भी दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग को एक डेटर अकाउंट बनाना होगा, डेटर अकाउंट बनाने के बाद तब ये लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा ना, अभी हम बता रहे थे ना, कभी ओपनिंग डेटर नहीं देगा, कभी क्लोजिंग डेटर नहीं देगा, कभी कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं देगा, तो डेटर अकाउंट बना के लिफ्ट करेंगे। सैलरी कितना दिया हुआ है, सैलरी सैलरी 20,000। ऑफिस एक्सपेंस
petty expense. वन टू थ्री, इधर में हम लोग क्या करते हैं, अगर गुड्स रिटर्न होगा तो नहीं दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो अब हम डायरेक्ट बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस सीडी, देखिए सभी चीज का बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक का दिया हुआ है, कितना है क्लोजिंग 28,000, डेटर भी दिया हुआ है 6,000, और जो पेटी कैश भेजा गया था 7,000, उसमें अभी भी 600 है, बाकी खर्च हो गया। देखो यहां पर जब तक हम लोग नहीं बिठाएंगे तब तक आपका प्रॉफिट आएगा क्या? प्रॉफिट आ जाएगा ब्रांच का, ट्रांसफर करेंगे कहां पर, हेड ऑफिस, क्या बनाना पड़ेगा, ब्रांच, डेटर अकाउंट, कुछ बात पूछेंगे आप लोग, जरा जल्दी जल्दी बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा सेंस हो जाएगा आपका। ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, बोलो, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ओपनिंग का तो कुछ है ही नहीं। इधर में क्रेडिट सेल दिया हुआ है, कितना है क्रेडिट सेल, तो 60,000 का उधार में माल बेचे हैं, बाई बैड डेट सम्स के अंदर नहीं है, देख लो, गुड्स रिटर्न बाई वो भी नहीं है कस्टमर, ये भी नहीं है, देखिए सिर्फ क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, तो यहां पर आएगा ना बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है डेटर 6,000, देखो 60,000 का उधार में सामान बेचे थे, 6,000 अभी भी आप डेटर से पा रहे हैं, तो ये बैलेंस आ जाएगा ना, कितना आएगा बैलेंस 60 में से 6 गया तो 54,000, तो यहां पर हम लोग 54,000 लिख दिए, यही क्या होगा, लिफ्ट होगा, कहां लिफ्ट करेंगे आप, यहां पर कितना 54,000, अब समझ में आया डेटर क्यों बनता है, मान लीजिए ओपनिंग डेटर दे देता, क्रेडिट सेल देता, कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी देता, क्लोजिंग नहीं देता, तो क्लोजिंग आपको निकाल के देखना पड़ता, चेक तो करना ही पड़ता। अब आप सभी को प्लस करो, 1,43,600, आपका ब्रांच का प्रॉफिट हो गया 26,600, ये आपका प्रॉफिट आ गया। जल्दी से आप कॉपी करिए, देखो ओपी साइन कंपनी दिया ही हुआ था, ब्रांच का नाम दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, गुड सेंट दिया हुआ था 1,2, एक्सपेंस भी दिया हुआ था 1,2,3, इधर हो गया, कैश सेल्स दिया हुआ था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ था, बट हम लोग यहां पर लिखेंगे क्योंकि जब यहां डेटर है तो कलेक्शन तो जरूर हुआ है। इसके बाद रिटर्न नहीं दिया हुआ था, बैलेंस तब दिया हुआ था, यहां पर हम लोग बिठाने के बाद फिर हम लोग डेटर अकाउंट बना लिए, ओपनिंग डेटर तो नहीं था क्योंकि नया ब्रांच है, उधार में 60,000 का सामान बेचे हैं, किसी भी तरह का इधर में बैड डेट्स नहीं है, रिटर्न नहीं है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ था, तो बैलेंस आ गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये यहां से लिफ्ट कर दिए, फिर ये बन गया। यानी इसमें सब कुछ लिख देना, जो इंफॉर्मेशन आपका बाकी रहेगा इसको बनाएंगे, ऊपर में लिफ्ट करेंगे, ठीक है।